हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई फूड रेसिपी, स्पेशली जो कि लंच में हम खाते हैं। अगर आपका मन है तो आप डिनर में भी खा सकते हो और ब्रेकफास्ट में भी। तो आज मैं लेके आई हूँ फ्राइड राइस। तो इसमें हम सबसे पहले चॉपिंग करेंगे प्याज की। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। स्पेशली मैंने यूज़ करी है। अगर आपको कुछ और चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि प्याज। प्याज को हम बहुत छोटे से पीसेस में कट करेंगे। इसके प्याज के पीसेस ना ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो राइस के साथ अलग से दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। एंड उसके बाद हम लेंगे मिर्च। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं खा पाती हूँ, तो इसलिए सिर्फ दो मिर्च लिए हैं। और लहसुन को आप ना पतले पतले पीसेस में काटिए, क्योंकि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा ना एक क्रंची सा इसका टेस्ट आता है। जब आप राइस के साथ इसे खाएंगे तो वो अच्छा सा लगता है, अच्छे से भुन जाता है। मतलब लहसुन का ना जो मतलब स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट, स्मेल आप कह लो, वो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो इसलिए हर उसमें, वैसे तो सब्जी या किसी भी चीज़ में लहसुन पड़ता ही पड़ता है, टेस्ट को ये इंक्रीज करता ही करता है। उसके अलावा हमने ली थी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी आपको पतले उस पर काटना है, क्योंकि अगर आप शिमला मिर्च बड़े पीसेस में काटेंगे तो फिर इसका टेस्ट बहुत अजीब सा लगेगा। मतलब ये बड़े बड़े पीसेस ना खाने में इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे पीसेस रखते हैं तो ये टेस्ट भी देता है और इसका इतना पता भी नहीं चलता। एंड टमाटर तो ऑल टाइम है, जो हर सब्जी में डलता है। तो एंड जैसे ना मैंने तो छोटे वाले टमाटर लिए थे, तो इसलिए मैंने दो लिए हैं। अगर आप बड़े टमाटर यूज़ कर रहे हो तो सिंगल एक टमाटर भी इनफ है। तो और वो ये है, टमाटर के पीस तो खैर बड़े भी होंगे तो चलेगा, बट ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं। और क्योंकि जब इसको पकाते हैं, एक तो आजकल टमाटर की क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं आती है, तो वो इजीली पकता भी नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि पीसेस इसके छोटे ही रखें, ज़्यादा बड़े ना रखें, जो इजीली बनाते टाइम ना अच्छे से पक जाएं, ज़्यादा वो दिखे ना। तो उससे टेस्ट भी आपका इंक्रीज होगा और अच्छा भी लगेगा आपको देखने में भी एंड खाने में भी। टमाटर ना आपको क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि ना जैसे टमाटर होता है, एक तो टेस्ट अच्छा रहता है, दूसरा आपका जो मतलब कलर देता है वो बहुत प्यारा सा कलर देता है। एंड टमाटर थोड़ा ना ग्रेवी भी बना देता है। जैसे फ्राइड राइस सूखा होता है तो टमाटर थोड़ा सा मतलब अच्छा सा ग्रेवी सा कर देता है उसे। अब टर्न आती है पनीर की। तो पनीर आप अपनी लाइक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं यूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें भी थी, तो इसलिए पनीर मैंने नॉर्मल क्वांटिटी में लिया है। पनीर को भी आप छोटे पीसेस में ही रखेंगे इसमें। मतलब जितना कोशिश है, सारे जो भी आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं उन सबको छोटे पीसेस में ही रखिएगा, क्योंकि आप बड़े पीसेस में रखेंगे ना वो देखने में अच्छा लगेगा और वो थोड़ा खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप ट्राई करिएगा कि आप छोटे छोटे पीसेस ही रखिएगा, क्योंकि जैसे पनीर भी पूरा मेल्ट होगा तो वो अच्छा सा लगता है पूरा और टेस्ट आता है। तो इसलिए ये भी छोटे पीसेस में ही मैंने रखा हुआ है। पनीर के साथ साथ मैंने इसमें एग भी यूज़ करे हैं। अगर आप प्योर वेज हो, आप एग यूज़ नहीं करते हो, नहीं खाते हो, तो आप एग हटा भी सकते हो, फिर भी टेस्ट सेम रहेगा। और ये हमारे सैलड तैयार थे कट के, एंड ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो भी मैंने यूज़ करे हैं। उसके बाद अब बारी आती है बनाने की। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में घी। अगर आप ऑयल प्रेफर करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, बट घी से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इसमें। और इसमें हमने सबसे पहले लिया है जीरा, जीरे का तड़का, जो कि हर डिश में ऑलमोस्ट मस्ट है, टेस्ट बहुत अच्छा देता है। तो आप सबसे पहले जीरे का तड़का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप लहसुन डालेंगे। लहसुन को आप अच्छे से फ्राई होने देंगे, मतलब पूरा ब्राउन होने देंगे, उसके बाद ही आप इस पे दूसरी चीज़ डालेंगे। तो उसके बाद हमने डाली है शिमला मिर्च।
शिमला मिर्च और लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है। और हाँ, एक चीज़ और करिएगा, इसमें गैस ना डिम ही रखिएगा, मतलब गैस ज़्यादा फुल मत करिएगा। फिर हमने इसमें डाला है प्याज, उसके बाद हमने प्याज को अच्छे से फ्राई किया है। प्याज को भी आप हल्का ब्राउन होने दीजिएगा, क्योंकि मतलब टेस्ट उसका अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने ऐड करा है पनीर। इसमें ये है कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी ऐड करिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो जो आपने पहली चीज़ें डाली हैं वो जल जाएंगी। तो आप मतलब इनको फ्राई करने के लिए थोड़ा टाइम गैप आपको कम रखना है। और टमाटर हम सबसे लास्ट में डालते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें पानी रहता है, तो इसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे। एंड टमाटर को अच्छे से हम फ्राई करेंगे, क्योंकि टमाटर पकने में भी थोड़ा टाइम लेता है। बट इस पर हम पानी भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें सीधे राइस ऐड करना है। राइस ना आप पहले पका के रख लेंगे, और राइस में क्या करेंगे ना, पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे, ताकि वो थोड़ा सूखा सा बने, क्योंकि फ्राइड राइस थोड़ा सूखा सूखा सा ही अच्छा लगता है। मतलब अगर आपके राइस गीले होंगे तो वो चिपकने लग जाते। देखिए, मैंने कहा था ना टमाटर अच्छा सा कलर देता है, अभी इसमें कोई मसाले ऐड नहीं है, बट आप कलर देख रहे हो फिर भी अच्छा सा कलर ऑलरेडी आ चुका है। अब हमने इसमें ऐड करा है मैगी मसाला, थोड़ी सी हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, जीरा, ये सारा इसमें हमने डाला हुआ है। और नमक आप लेंगे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसे आप इस पे जो हल्दी जीरा वगैरह डालेंगे वो आधा स्पून एक स्पून आप मतलब ज़्यादा नहीं डालेंगे, एज़ पर द राइस क्वांटिटी। उसके बाद बारी आती है एग बनाने की। तो एग को आपको ना अलग से पका लेना है, आपको फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, ऑयल को पूरे बर्तन पे स्प्रेड कर लेना है, ताकि एग थोड़ा अच्छे से बने। एंड उसमें भी आपको सबसे पहले जो करना है वो जीरे का तड़का लगाना है, उसके बाद आपको उस पर एग डाल देना है। और एग में हल्का सा आपको नमक भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अगर आपने राइस में ऑलरेडी ज़्यादा किया है तो आप इसमें ना करें, लेकिन वैसे करेंगे तो टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, क्योंकि एग फिर अलग सा रहता है ना। और पूरा अच्छे से इसको आपने पकाने के बाद आपको एग का इसमें ना ऊपर से ही आपको एग डालना है। और अगर आप एग नहीं खाते हो तो आप पनीर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, और अगर आप एग खाते हो तो फिर तो ये बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है, मतलब एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड कर देता है, मतलब डबल फ्लेवर काइंड ऑफ पनीर एंड एग, सो टेस्ट इंक्रीज हो जाता है इसका। तो आप देख सकते हो भी कितना ब्यूटीफुल सा इसका कलर आ चुका है, और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो हमारा फ्राइड राइस है बन के तैयार, इसके साथ है सैलड, चटनी एंड दही। चटनी तो मेरी इडली वाली थी, तो आप मेरे इडली वाले वीडियो पे देख सकते हो इसकी रेसिपी। एंड आप भी ट्राई करिएगा फ्राइड राइस, एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा आपका फ्राइड राइस कैसा बना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय बाय।